कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ऐसी ही एक बात हम आपको बता रहे हैं। सेवानिवृत्त आईटीआई कर्मचारी की बेटी का हुआ पीसीएस 2020 में चयन। लालगंज ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत ज्योति गुप्ता के साथ उन्होंने अध्यापिका के दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ने की ठानी और पीसीएस की तैयारी भी शुरू कर दी। ज्योति का चयन 2020 पीसीएस परीक्षा में हो गया है। उनके पिता प्रकाश गुप्ता सेवानिवृत्त आईटीआई कर्मचारी हैं और माता आराधना कौशल गृहिणी हैं। ज्योति बेसिक शिक्षा में सीनियर प्रवक्ता के रूप में चयनित हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यापिका रहते हुए भी स्वयं में उन्होंने मेहनत की और आगे बढ़ी। माता पिता ने बताया कि आरती शुरू से महत्वाकांक्षी थी, उसी की ये देन है जो आज उसका चयन हुआ है और उसने आज ऐसा एक मुकाम हासिल किया है जिसके लिए वो जानी जाती थी। सेवन की डेस्क रिपोर्ट। मेरा नाम आरती गुप्ता है, मैं वर्तमान में लालगंज ब्लॉक में बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कन्या विद्यागासो में विज्ञान सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में। और मेरे पिता का नाम श्री प्रकाश नारायण गुप्ता है, माता का नाम श्रीमती आराधना कौशल है और मेरा चयन पीसीएस 2020 की परीक्षा में वरिष्ठ गाइड प्रवक्ता के पद पर हुआ है। जैसे कि पता है कि इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू, तीनों स्तरों को पार करना पड़ता है। तो तीनों चरणों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हुए और सेल्फ स्टडी से ही पूरी तैयारी करते हुए मैंने इस परीक्षा को पास किया है। सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने परिवार वालों को ही देना चाहती हूँ। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे, मेरे माँ बाप, और उससे भी ज़्यादा मेरे पति का सपोर्ट रहा क्योंकि मैं विवाहित हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ, तो उन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया और उनके सहयोग के बिना शायद ही संभव ना हो पाता। मेरा नाम आराधना कौशल है, मैं प्रधानाध्यापक पद पर प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर रायमा में कार्यरत हूँ। अरे हम तो यही कहना चाहते, बहुत अच्छी बात है, बच्चे आगे निकलते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है। और हम तो ये सभी बेटियों को संदेश देना चाहते हैं कि वो पढ़ें। और मेरी बिटिया ने तो कहीं कोचिंग भी नहीं की और 2 बच्चों को संभालते हुए परिवार की जिम्मेदारी, शादी होने के बाद भी बच्चों को संभालना और नौकरी भी करती है, इसके बाद उसने जो है कहीं कोचिंग भी नहीं की और बहुत अच्छे पद पर पहुंच गई। और उसकी अभी और इच्छा है कि वो आईएएस बनना चाहती है, आईएएस बनके और बड़े पद पे जाना चाहती है, तो मुझे तो बहुत खुशी है।